क्या प्लास्टिक, सर्दियों के कपड़े या फिर किसी से भी सटने से आपको भी करंट लगता है? आम तौर पर ये सब सर्दियों में ही होता है, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? सर्दियों के मौसम में जब हम दरवाजे की कुंडी, कुर्सी या फिर इंसान को भी छूते हैं तो हमें तेज झटका यानी कि करंट लगता है। लेकिन जरा सोचिए, बिना किसी इलेक्ट्रिक सामान के टच हुए हमें करंट लगता कैसे? बचपन में आपको याद होगा कि कंघी को सिर पर हम रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास लाते थे और कागज कंघी पर चिपकने लगता था। यही नहीं, ठंडियों में जब आप स्वेटर पहनते होंगे तो खुले बाल भी चिपकने लगते हैं। तभी मन में ये सारे सवाल आते हैं कि ऐसा होता क्यों है आखिर? तो हमारे मन में ये जो बचपन के जो सवाल है, आज इन सारे सवाल का जवाब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। तो सबसे पहले जानते हैं कि करंट क्या होता है। बचपन में साइंस की किताब में हम सब ने पढ़ा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम। एटम यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू व्हिच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। और एटम तीन चीजों से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनमें से इलेक्ट्रॉन के बहने को ही करंट कहते हैं। और करंट को बहने के लिए मीडियम चाहिए होता है। करंट सिर्फ दो मीडियम्स में ही बहते हैं, एक है गुड कंडक्टर और दूसरा है बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर का मतलब होता है वो सामान जिसमें आसानी से करंट बह सकता है, जैसे कि मेटल्स। और बैड कंडक्टर वो सामान होते हैं जिनमें करंट आसानी से नहीं बह सकता है, जैसे कि कपड़े, लकड़ी या फिर कंघी। लेकिन कभी कभी बैड कंडक्टर से बने सामान जैसे कपड़े, फर्नीचर के कवर या कंघी को छूते ही हमें झटका लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भी करंट में ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें लगता है। हालांकि बैड कंडक्टर से बने सामान को छूने से स्टैटिक करंट की वजह से झटका लगता है। स्टैटिक करंट का मतलब होता है वो फिक्स चार्ज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता। अब हमारा मेजर सवाल कि ठंड के दिनों में स्टैटिक करंट क्यों और कैसे लगता है? तो बैड कंडक्टर्स में कभी कभी कहीं ना कहीं से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसलिए जब आप उस इंसान या उस सामान को छूते हैं तो वो चार्ज तुरंत आपके अंदर से बाहर निकल जाता है और आपको क्षण भर में तेज झटका लगता है। लेकिन करंट लगना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। क्या इस तरह के करंट से हमें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है? लोगों के मन में ये सवाल आता है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के करंट्स हार्डली 1 से 2 सेकंड के लिए ही लगते हैं, जिसे बच्चे या बूढ़े तुरंत भूल जाते हैं और इसका हमें हमारे ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपने खबरों में सुना होगा कि कई बार करंट लगने से मौत भी हो जाती है, क्योंकि करंट से मौत तब होती है जब आपका दिल अच्छे से काम नहीं कर पाता है। कई बार करंट की वजह से हार्ट में खून पंप नहीं होता है, खून रुक जाता है। इसे आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। ये मौत का भी कारण बन सकता है। कई बार पेशेंट्स कोमा में भी चले जाते हैं, उसके बाद सांस भी बंद हो जाती है, और इसे हम कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी कह सकते हैं। तो यही है वजह जिसके कारण ठंड के दिनों में भी हमें कुछ सामान जैसे स्वेटर, दरवाजे की कुंडी वगैरह छूने से करंट लगता है। और हम बचपन से ये चीज सोचते आए थे कि बिना बिजली के संपर्क में आए हमें करंट लगता कैसे है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से, फैक्ट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।